بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين सजदे के बारे में बहरहाल हदीस है कि नमाज तमाम इबादतों में सबसे अफजल है और नमाज में भी सबसे अफजल जुज सजदा है। तमाम अरकान नमाज अज्जाए नमाज में से सबसे अफजल तरीन और बेहतरीन जुज सजदा है जो इंसान बजा लाता है। जाहिर सी बात है कि सजदे में इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपने जिस्म के साथ आज़ा को हालत सजदा में ज़मीन पर रखे। पेशानी है, दो हाथ की हथेलियाँ हैं और दो घुटने हैं और इसी तरीके से पैर के दो अंगूठे हैं, यानी इन तमाम आज़ा व जवारे का ताल्लुक पूरे जिस्म से है। सर सजदे में रखता है इंसान इसलिए कि इंसान के जिस्म का शरीफ तरीन हिस्सा सर है और तमाम महसूसात को अल्लाह ने सर ही में पोशीदा रखा है। देखने वाली चीज़, सुनने वाली चीज़, बोलने वाली चीज़, दर्द करने और समझने वाली चीज़ जो दिमाग के नाम से हम याद करते हैं, सब कुछ अल्लाह ने सर में रखा है। वो सब सजदे में रख देता है तो इंसान ये एतराफ करता है कि परवरदिगार मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ये सब तेरा है ना। तूने अगर आंखें ना दी होती तो मैं देख ना पाता। अपनी कुदरत में तो नहीं है कि इंसान आँखों की रोशनी और बिनाई तलाश कर ले, अपने एतबार से उसे बना ले। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। इसी तरीके से हाथ रखता है तो ये ऐलान करता है खुदा की बारगाह में कि परवरदिगार ये जो मेरे पास कुदरत है और तवानाई है ये भी तेरी दी हुई नेमत है। पैर यानी रखता है तो ये इकरार करता है कि मेरे अंदर जो चलने फिरने की ताकत है और इसके ज़रिए से मैं हरकत में आता हूँ तो ये सब तेरा ही फैज है। अच्छा, जिक्र सजदा मशहूर जिक्र वही सुभान रब्बी अलअअला व बिहम्दिह, पाक पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा और आला तरीन है वो ज़ात, बुलंद तरीन है वो ज़ात जिसने मेरी परवरिश की और मैं उसी के सबब उसी के ज़रिए से उसी की मदद से हम्द करता हूँ। यानी हम्द करता हूँ उस परवरदिगार की जो वो पाक व पाकीज़ा और बुलंदतरीन है। हर रकात में दो सजदे क्यों हैं? काफ़ी रिवायतें हैं लेकिन दो रिवायतों को मैं आपके सामने यहाँ इंशाअल्लाह बयान करूँगा कि दो सजदे क्यों हैं। एक रिवायत जिसे आयतुल्लाह जवादी आमूली ने राज हाय नमाज पेज नंबर 120 में लिखा है कि पैगंबर इस्लाम जब मेराज पर गए थे तो वहाँ खुदा की बुजुर्गी का मुशाहिदा किया, खुदा की अजमत का मुशाहिदा किया। पहली मरतबा देखा तो खुदा की कुदरत के जलवे पैगंबर इस्लाम ने ताज़ी में परवरदिगार में सजदे में सर कर दिया।
फिर अपना सर उठाया, फिर दोबारा देखा तो और ज्यादा कुदरत के जलवे पैगंबर इस्लाम को देखने को मिले। तो फिर खुदा की अजमत के मुकाबले में तस्लीम खम करने के लिए अपने सर को सजदे में रख दिया, फिर सर सजदे से उठाया। तो चूंकि पैगंबर इस्लाम ने ये अमल दो मरतबा अंजाम दिया, यानी दो सजदे ताज़ीम परवरदिगार में बजा लाए, तो फिर हर मुसलमान के लिए अल्लाह ने फर्ज कर दिया इस रसूल की सीरत को। एक और रिवायत है, मौलाए कायनात इसमें बयान करते हैं कि पहला सजदा जब इंसान बजा लाता है तो ये इतराफ करता है कि परवरदिगार मैं मिट्टी से बनाया गया हूँ, मेरा वजूद मिट्टी से है। सजदे से सर उठाता है तो ये कहता है कि परवरदिगार तूने मुझे मिट्टी से निकाल कर एक जिंदगी अता किया। फिर दोबारा सजदे में सर रखता है तो ये कहता है कि फिर मुझे मिट्टी में ही मिलना है ना। इंसान की टोटल जिंदगी उतनी ही है जितना दो सजदों के दरमियान एक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की होती है। इंसान की जिंदगी उतनी ही है, यानी उसकी असल भी जो है मिट्टी है, उसकी बाज़गश्त उसे जहाँ लौटना है वो भी मिट्टी है। लिहाजा इंसान उसी वक्त कामयाब होगा खुदा की निगाह में जो अपनी कमजोरी का एतराफ़ करे, अपने मिट्टी होने को ना भुलाए। हालांकि ये बहुत बाअज़मत मिट्टी है ना, जो इंसान के लिए है, और इस मिट्टी को इतना अजीम बनाया है अल्लाह ने कि उस पर मलाइका को सजदा करने का हुक्म भी दिया है। तो बहरहाल ये दो रिवायतें थी, और अगले मरहले में हम आपकी खिदमत में इशारा करेंगे कि सजदा क़ुर्बे परवरदिगार का, अल्लाह से नज़दीक होने का बेहतरीन ज़रिया है। चुनांचे रिवायत है, अक़रबु मा यकूनु अल-अब्दु मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व हुवा साजिद। खुदा से करीब होने की बेहतरीन हालत सजदा है। वो एक सजदा जिसे तो गिरान समझता है अल्लामा इक़बाल का, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, सख्त समझता है, बोझ समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। जो आदमी खुदा की बारगाह में सर झुका देता है तो फिर उसे दूसरों की बारगाह में सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सही। तो सजदा खुदा से करीब होने का बेहतरीन वसीला है। इसी तरीके से एक और रिवायत है, बल्कि एक दास्तान की शक्ल में, कि पैगंबर इस्लाम अपने घर की मुरम्मत कर रहे थे। टूटा हुआ कभी कभी होता है बारिश की वजह से, या पुराने कच्चे मकान जो है उसमें मुश्किल पेश आ जाती है, तो पैगंबर इस्लाम पैगंबर होते हुए भी खुद अपना काम खुद कर रहे थे। सही। तो अपने घर की मुरम्मत में मशगूल थे, एक शख्स गुजर रहा था, ऐसी बात है कि एक रसूल है और उन्हीं का कलमा पढ़ता है, तो वो रुका और कहा, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि आपकी मदद करूँ आपके इस अमल में। पैगंबर इस्लाम ने कहा, ये तेरी मर्जी, तेरा इख्तियार है, अगर तू वाकई चाहता है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो उसने मदद की, जब काम मुकम्मल हुआ तो पैगंबर इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन हैं ना, ये दुश्मन को अता करते हैं, अब जो कोई उनकी मदद करे तो कैसे उसे पैगंबर छोड़ सकते हैं। तो पैगंबर ने सवाल किया कि बता तेरी हाजत क्या है। अब वो आने वाला भी बड़ा चालाक था, उसने कहा मैं जन्नत को चाहता हूँ, बदले में बहिश्त को चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाया, सर उठाया तो कहा कि आइनी बेतूल सुजूद, ये तूने मेरी मदद की है, इसका अजर तुझे ज़रूर मिलेगा, लेकिन तू जन्नत में जाना चाहता है तो अपने सजदों को तूला भी कर, है ना, अपना सजदा तवील कर ले, कि तूने अगर अपने सजदों को तूला नहीं किया तो फिर जन्नत तेरे लिए ज़रूरी है।
इसीलिए नमाज के बारे में कहा गया है कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। और एक रिवायत में है कि नमाज जन्नत का पासपोर्ट है। सही, आप देखिए बहुत सारी डिग्रियां होंगी, आप एयरपोर्ट पे चले जाएं कि मुझे दूसरे मुल्क जाना है तो वो कहेंगे पासपोर्ट, आप कहेंगे नहीं मैंने पीएचडी की हुई है, बहुत बड़ी मेरे पास डिग्री है, तो वहां पर क्या कहा जाएगा, नहीं आपकी डिग्री काम नहीं आएगी, आप अपनी जगह पर बहुत बड़े प्रोफेसर होंगे, पीएचडी किए हुए, बहुत बड़ा ओहदा आपके पास होगा। सही, लेकिन कानून यह है कि यहाँ से गुजरना हो तो फिर आपके लिए क्या है, पासपोर्ट जरूरी है। सही, आप कहेंगे नहीं मेरे पास ड्राइवर लाइसेंस है, कहाँ जाओ गाड़ी जितनी चाहे चलाना चाहो, लेकिन इससे आप गुजर नहीं सकते। तो ऐसे ही जब इंसान उस्ताद मोहसिन कराती कहते हैं, जब जन्नत में दाखिल होना चाहेगा तो इंसान कहेगा कि मेरे पास दसियों हज हैं, कहा दसियों हज आप अपने पास रखें। सही, वो कहेगा कि नहीं मैंने बहुत साल रोजे रखे हैं, रोजे भी अच्छी चीज है, आप अपने पास रखें, लेकिन जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं तो नमाज का पासपोर्ट बताना होगा। सही, तो बहरहाल सजदा इंसान की बुलंदी के लिए है, यानी जितना इंसान सजदे में सर को रख देता है खुदावंद आलम उसे उतना ही बुलंद करता है। काफी बातें और हैं सजदे के हवाले से, कल इंशाअल्लाह सजदा और कुनूत के फलसफे और उसकी अहमियत को बयान करने की कोशिश करेंगे। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है कि खुदावंद आलम हम सबको वाकई मानों में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.